हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको अपडेट मिलेगी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी व समाज विज्ञान नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अपडेट। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले टीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो इसकी परीक्षा 31 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। तो आप जल्द से अपनी तैयारी में लग जाइए। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। एक मामला सुलझा तो दूसरे विवाद में फंसी नियुक्ति। एलटी ग्रेड कला विषय के चयनितों की फाइलें आयोग में ही अटकी हैं। शैक्षिक अर्हता का विवाद सुलझने के बाद अब आवेदन तिथि को लेकर फंसा पेंच और हिंदी में भी आवेदन तिथि की अर्हता पर विवाद है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ये पूरी अपडेट यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय में भी आवेदन तिथि की अर्हता में कुछ विवाद है। 100 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति फंसी हुई है। आयोग ने हिंदी विषय के लिए इंटर में संस्कृत हिंदी में बीए और बीएड की अर्हता निर्धारित की थी। तमाम अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। उन्होंने एकल विषय संस्कृत में यूपी बोर्ड की परीक्षा दी और 29 अप्रैल 2018 को इसका रिजल्ट जारी हुआ, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल थी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता पूरी होनी चाहिए। बाद में 4 से 16 जून तक आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया, जिसमें एकल विषय संस्कृत से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों ने भी आवेदन किया और इनमें 100 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया और इनकी अब नियुक्ति फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन उनकी फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही अटकी है। दरअसल इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि की अर्हता का विवाद बना हुआ है और इसी वजह से सभी की फाइलें रुकी हुई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चयनितों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजी जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। एलटी ग्रेड कला के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई थी और उनके पास बीएफए के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने फार्म भर दिया। इसमें तकरीबन 97 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अब इस प्रक्रिया को लेकर ये भर्ती फंसी हुई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 व 29 को होगी काउंसलिंग। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी रिक्त रहे करीब 6,000 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 28 व 29 जून को होगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। परीक्षा अगस्त में होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी की परीक्षा 7-8 अगस्त को होगी और पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से इतिहास के कुछ क्वेश्चन अपडेट कराए जाते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।